हेलो माय स्कॉलर पर्सन, स्कॉलर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी जोरदार डिमांड के कारण अब हम वीडियो लेकर आ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के लिए। बीए फर्स्ट ईयर के वीडियोस चल रहे हैं, क्लासेस भी रेगुलर चल रही हैं, और बीए सेकंड ईयर वालों के लिए आज से इस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो जो भी टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं उनको क्लियर करते जाएंगे। बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, वेरी सून एंड योर एग्जामिनेशंस आर ऑन द हेड। ये फ्रेंड्स, मैं हूँ सचिन राजपुरोहित और आप सबका स्वागत करता हूँ केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आहोर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के जो इलेक्टिव इंग्लिश का पोर्शन है। इलेक्टिव इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सब के लिए आज का ये सिलेबस पर डिस्कशन को लेकर ये वीडियो बनने जा रहा है। जितने भी फ्रेंड्स अभी जुड़े नहीं हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर लें ताकि वो अपने वीडियो अपने जो सिलेबस हैं उसको डिस्कस कर सके। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था और एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप अगर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू क्रैक योर एग्जामिनेशंस, देन यू विल हैव टू फॉलो सम बेसिक रूल्स। देखो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहला काम आपके लिए होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर वन सिलेबस। किसी चीज़ को डिस्कस करना है तो उसका सिलेबस, देखो सिलेबस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन पर हम डालेंगे सिलेबस को और उस सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार आप अच्छे से रीड करेंगे। इस सिलेबस को रीड करने के बाद, थोरोली रीड करने के बाद फ्रेंड्स, दूसरा काम रहेगा हम जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम पेपर्स, प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं फ्रेंड्स, उनको टटोलेंगे, उनको देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला काम है आज हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपके वीडियोस भी कंटिन्यू रहेंगे इस चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको अवेलेबल हो सके। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स डिस्कस अबाउट अवर सिलेबस ऑफ बीए पार्ट सेकंड इलेक्टिव इंग्लिश। बीए सेकंड ईयर के इलेक्टिव इंग्लिश के इस पोर्शन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कशन करेंगे आज के इस टॉपिक पर जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इलेक्टिव इंग्लिश बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कोई वो वाली बात नहीं है, जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमने डिस्कस किया था जो पीछे वाला पोर्शन है, बस इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके जो पेपर फर्स्ट में क्या चीज़ें हैं और पेपर सेकंड में क्या नई चीज़ें ऐड हुई है, बस यही है। बाकी जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। 3 घंटे का ये पेपर होगा और एक पेपर 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का होगा। टोटल 2 पेपर होने वाले, ये बेसिक फंडा आपको ध्यान में रखना है, यानी कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकेंड है। मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए, देयर शैल बी 2 पेपर्स ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशंस, ईच कैरी 100 मार्क्स, टीचिंग आवर्स इसके 8 पीरियड होते पर वीक। तो मेन काम हमें ये करना है कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है फ्रेंड्स, क्या क्या चीज़ें हमको पेपर फर्स्ट के अंदर पढ़नी है। पेपर फर्स्ट में आएगा आपके लिए प्रोज एंड फिक्शन। फ्रेंड्स क्या है प्रोज एंड फिक्शन? प्रोज का मतलब क्या होता है? प्रोज का मतलब होता है गद्य और फिक्शन का मतलब होता है एक तरह के उपन्यास। उपन्यास और गद्य, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं इसके अंदर। आइए फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़ आ रही है जो टेक्स्ट प्रेस्क्राइब है। टेक्स्ट प्रेस्क्राइब का मतलब ये है कि जो जो चीज़ें आपके अंदर सिलेबस के अंदर आ रही हैं, सबसे पहले आएगी डिटेल स्टडी, नंबर वन मास्टर्स, आपके लिए मैं जूम कर दूँ इसको, आप देख सकते हैं। सबसे पहली जो बुक हमारे लिए बीए पार्ट सेकंड के लिए है उसका नाम है मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज। ये एडिशन है LSR कृष्णा मूर्ति द्वारा लिखा गया है, मैकमिलियन का है।
ये एक बुक आपको खरीदनी है। अगर नहीं खरीद सकें और आपके पास इतना समय नहीं है तो आप वीडियो पर कंटिन्यू रहे, इस चैनल पर कंटिन्यू रहे, डेली आपको एक ना एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। क्या है मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, इसके अंदर बहुत सारे लेसन्स दे रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हमें क्लियर करना है। द फॉलोइंग चैप्टर्स फ्रॉम मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज का जो एडिशन है उसके अंदर कुछ टेक्स्ट प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, कुछ चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं वो यहाँ पर मेंशन करके। चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22 and 23 यानी कुल 14 चैप्टर्स हैं। टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं, इनको हम इसी वीडियो पर, इसी यूट्यूब चैनल पर 14 चैप्टर्स क्लियर कर देंगे। फ्रेंड्स, ये रही बात डिटेल स्टडी की। इसी पेपर फर्स्ट के अंदर नॉन डिटेल स्टडी में क्या डाल रखा है, नॉन डिटेल स्टडी का मतलब है इसके अंदर कुछ नॉवेल्स होंगे। देखिए, नंबर 1 थॉमस हार्डी ने एक नॉवेल लिखा है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक तरह की फ्रेंड्स ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी क्या होता है, एक तरह का ऐसा नाटक जो कि दुखांत हो, एक ऐसी कहानी जिसका जो अंत है वो दुख के साथ हुआ। तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बहुत अच्छी तरह से इसको एलोबरेट कर रखा है थॉमस हार्डी, बहुत फेमस नाम है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। आज हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। खुशवंत सिंह इंडियन राइटर थे और सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में भी इनका अहम हिस्सा है, तो सेकेंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए ये पोर्शन काम का है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड की, उनके सिलेबस का ये पार्ट है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ट्रेन टू पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, उस पार्टीशन के दौरान की घटनाओं का वर्णन किया है खुशवंत सिंह ने इसके अंदर। पैसेज फ्रॉम, अब ये देखिए डिटेल स्टडी के अंदर आपके 2 नॉवेल डाल रखे हैं, नॉन डिटेल स्टडी के अंदर आपके लिए इंग्लिश प्रोज की बुक है जिसके अंदर 14 चैप्टर्स हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है फ्रेंड्स। पैसेज फॉर एग्जामिनेशन विल बी सेट ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट प्रेस्क्राइब फॉर द डे फॉर द स्टडी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे 10 × 2 = 20 marks यानी 10 × 2, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे अगर आपने वो वीडियोस देखा है, लेकिन फिर भी आपके लिए डिस्कशन कर देते हैं, एक बार चीज़ें क्लियर करते हैं। इस पेपर में, हर पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन होंगे और फर्स्ट सेक्शन जो है उसके मार्क्स होंगे 20। कैसे होंगे देखिए फ्रेंड्स, दिस सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 10 कंपल्सरी क्वेश्चंस, 10 कंपल्सरी क्वेश्चन आएंगे यानी आपको करने अनिवार्य हैं। देर विल बी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आएंगे, एंड आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस शैल बी लिमिटेड अप टू 30 वर्ड्स। देखिए, एक प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है और वो कितने वर्ड्स में लिखना है आपको, 30 वर्ड्स में लिखना है। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का है, तो कुल मिलाकर एक सेक्शन में 5 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मार्क्स, तो पहला सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का हो जाता है। फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसको अगर डिटेल में समझना है तो वो 5 यूनिट कौन कौन सी है। यूनिट 1, 2 रेफरेंसेस लाइंस और क्वोट्स फ्रॉम द प्रेस्क्राइब प्रोज, यानी जो चैप्टर्स आपके दे रखे हैं प्रेस्क्राइब प्रोज है उसमें से कोई भी 2 लाइन आ सकती है, 2 कोट्स आ सकते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये लाइनें कहाँ से आई है, क्या कह रही है और उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रेस्क्राइब प्रोज, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रेस्क्राइब प्रोज में से कोई भी चैप्टर्स निकाल के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरी यूनिट कह रही है 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है नॉवेल बाय थॉमस हार्डी, इस नॉवल को आप अच्छे से रीड करेंगे, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना के डालूंगा और आप उसको अच्छे से रीड करना, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिए जरूर बनेंगे। चौथी यूनिट कह रही है 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है, तो इसमें भी 2 क्वेश्चंस बनेंगे। पांचवी यूनिट क्या कह रही है,
पांचवी यूनिट जो कि सारे सेक्शन के अंदर जो पांचवी यूनिट है वो अलग ही डिस्कशन कर रही है, टू क्वेश्चंस फ्रॉम सोशियो लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट एंड द फॉर्मल कॉम्पोनेंट्स ऑफ एसे एंड फिक्शन। एसे और फिक्शन के पीछे जो लिटरेरी बैकग्राउंड है, जो सोशियो लिटरेरी बैकग्राउंड है, जो फॉर्मल कॉम्पोनेंट्स हैं, उन कॉम्पोनेंट्स की चर्चा की गई है और वहाँ पर दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये नॉवेल्स क्या होता है, फिक्शन क्या है, फिक्शन के पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या चीज़ें होती है। फिक्शन का मतलब एक तरह की काल्पनिक घटना है, इसके अंदर कुछ काल्पनिक घटनाओं का जिक्र होता है, इसके पात्रों के बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं, जब मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है, ये कैस्टरब्रिज जो है एक जगह का नाम है जो कि अपने आप में काल्पनिक जगह है, ये काल्पनिक जगह है, तो इसको फिक्शन के अंदर डालेंगे हम। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी को कितने नंबर में बांट दिया है, 5 × 7 = 35, यानी एक प्रश्न, ये पांच प्रश्न तो पांच यूनिट से हो गए, एक प्रश्न 7 नंबर का है तो 35 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी फ्रेंड्स 35 मार्क्स। दिस सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द स्टूडेंट्स विल आंसर 5 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें से आपको कितने करने हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 प्रश्न करने हैं। देयर विल बी एन इंटरनल चॉइस, आपकी एक इंटरनल चॉइस होगी कि आप हर यूनिट के 2 क्वेश्चंस में से कोई एक सा प्रश्न आप सेलेक्ट कर सकते हैं ईच यूनिट। आंसर टू ईच क्वेश्चंस शैल बी लिमिटेड अप टू 250 वर्ड्स। फ्रेंड्स कितने शब्दों में, जहां आपको 30 शब्दों में लिखना था आंसर, अब यहां पर आपको 250 शब्दों में लिखना है, और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 7 मार्क्स का होगा। और ऐसे ऐसे 10 प्रश्न आएंगे जिसमें से 5 करने हैं, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 मार्क्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, यूनिट डिटेल स्टडी करनी है तो यूनिट फर्स्ट देख लीजिए, 2 रेफरेंसेज टू द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब प्रोज। इस प्रेस्क्राइब प्रोज जो बुक आपके लिए है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस्क्राइब एसेज, जो एसेज है उसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे। 2 क्वेश्चन फ्रॉम द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज थॉमस हार्डी, यही बात पिछली यूनिट में भी कही थी, पिछले सेक्शन में भी कही थी, बस उस क्वेश्चन के नंबर 2 थे और इसमें इसका नंबर हो जाएगा 7 नंबर, बस इसको थोड़ा डिटेल में लिखना है 250 वर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं, चौथी यूनिट कह रही है 2 क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने जो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है वो क्या है, इसमें से भी 2 क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको इसके आंसर लिखना एक ही आंसर है, 2 में से, ये इंटरनल चॉइस है आपकी कि जो 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से लिखना एक ही है आपको। यहाँ 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वही बात है, सोशियो लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट एंड द फॉर्मल कॉम्पोनेंट्स ऑफ एसे एंड फिक्शन। ये क्वेश्चन पिछले सेक्शन में भी था, बस उसको इस बार डिटेल में लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये फ्रेंड्स द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इसके आगे का पोर्शन दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी। ये फ्रेंड्स आ गया, सॉरी सेक्शन सी, ये यहाँ पर दे रखा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं, सेक्शन सी को देखते हैं, सेक्शन बी पूरा हो गया, सेक्शन सी में जाते हैं। सेक्शन सी बात कर रहा है 45 मार्क्स की, 45 मार्क्स, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं 15 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक बात कही गई है, दिस सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2, 3, 4 एंड द स्टूडेंट्स आर
रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी थ्री इन 500 वर्ड्स। देखिए, सबसे पहले सेक्शन वन में आपको 30 वर्ड्स में लिखना था, सेक्शन टू आ गया उसके अंदर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, सेक्शन थ्री के अंदर अब 500 वर्ड्स में लिखना है। अब यहाँ कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको? यहाँ पर 3 क्वेश्चंस करने हैं, 5 में से 3, यहाँ आपको 10 में से 5, और यहाँ आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, ये कंपलसरी है। तो ये एक तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है यूनिट 2, 3, 4, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं, यूनिट 2, 3 एंड 4, इन तीन में से 3-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखा गया है कि 5 क्वेश्चंस और आपको उसमें से कितने करने हैं? 3 करने हैं 500 वर्ड्स में, यानी ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। इसके अलावा ये जो रेकमेंडेड बुक्स दे रखी है, आप चाहें तो इन बुक्स को खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं अलग से आप पढ़ना चाहें तो। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, पेपर टू की बात कर रहे हैं। पेपर टू जिसके अंदर ड्रामा है, ड्रामा हम हिंदी में कह सकते हैं नाटक। आपके यहाँ पर पोइम्स नहीं दे रखी है, पोइम्स दे रखी है बीए फर्स्ट ईयर के अंदर, तो कोई बात नहीं, ये भी 3 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स का पेपर होगा। कौन कौन से नाटक दे रखे हैं देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से नाटक इसके अंदर दिए गए हैं। टेक्स्ट प्रेस्क्राइब फॉर डिटेल स्टडी, देखिए यहाँ पर डिटेल स्टडी में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, यहाँ पर केवल और केवल आपके लिए ड्रामा है और ड्रामा को पढ़ना है। विलियम शेक्सपियर का फेमस ड्रामा है 12th Night, एडिसन है, जेसी डेंट, द न्यू क्लेरेंडन, शेक्सपियर ओ यूपी। विलियम शेक्सपियर का ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, ये एक ड्रामा है, कॉमेडी है, इसको कॉमेडी कह सकते हैं। यानी एक तरह से हैप्पी एंडिंग होती है इसकी, इसलिए इसको कॉमेडी कह सकते हैं 12th Night, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो ड्रामा दे रखा है शॉ, पूरा नाम है इसका GB Shaw, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, कैंडिडा नाम की एक महिला होती है, और ये भी एक तरह का कॉमेडी ड्रामा है, AC वर्ड का एडिशन है, आप इसको भी देखेंगे। अब ये दो ही आपके ड्रामा दे रखे हैं डिटेल स्टडी के अंदर। फिर दूसरी बात करते हैं फॉर डिटेल स्टडी में, नॉन डिटेल स्टडी में, धर्मवीर भारती, क्या नाम है? धर्मवीर भारती का अंधा युग, महाभारत से संबंधित एक कथा है अंधा युग, और उस बारे में ये एक तरह का नाटक, आप इसको मंचन भी कर सकते हैं, स्टेज पर परफॉर्म भी किया जा सकता है। अब डिटेल स्टडी की बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वही सेक्शन जो पहले थे, अब इसमें कुछ चेंजेस रहेंगे थोड़े बहुत, आप देखें। सेक्शन ए आप समझ चुके हैं, ये 20 मार्क्स का सेक्शन है पूरा, मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। दिस सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 10 कंपल्सरी क्वेश्चंस, देयर विल बी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन शैल बी लिमिटेड अप टू 30 वर्ड्स। ये भी वही उसी यूनिट की तरह, पेपर फर्स्ट की तरह 30 वर्ड्स में लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। यूनिट 1, 2 लाइन्स फ्रॉम रेफरेंसेज फ्रॉम द प्ले प्रेस्क्राइब फॉर डिटेल स्टडी, जो डिटेल स्टडी का जो प्ले है उसमें से क्या कहा गया है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 लाइन्स पूछी जाएगी। देखिए आपको ऊपर बताया गया है कि यहां पर यह है डिटेल स्टडी, डिटेल स्टडी में शेक्सपियर का 12th Night और GB Shaw का है कैंडिडा, ये डिटेल स्टडी में और ये नॉन डिटेल स्टडी में, इनको ध्यान में रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कह रहा है 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 12th Night बाय शेक्सपियर, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12th Night में से शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द कैंडिडा बाय बर्नार्ड शॉ, GB Shaw के द्वारा लिखा गया कैंडिडा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथी यूनिट बात कर रही है अंधा युग पर, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। पांचवी यूनिट में फ्रेंड्स पूछा जाएगा बैकग्राउंड, वही बैकग्राउंड जो कि ड्रामा और एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा। अब ये जो बैकग्राउंड पूछा जाएगा वो ड्रामा के ऊपर पूछा जाएगा, लास्ट बार हम जो पढ़ रहे थे जो फर्स्ट पेपर के अंदर, उसके अंदर एसे और प्रोज के बारे में पूछा जाता है, उसका लिटरेरी बैकग्राउंड। आगे बढ़िए तो देखेंगे सेक्शन बी में 35 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। दिस सेक्शन विल कंसिस्ट 10 क्वेश्चंस, आपको इसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट
एंड द स्टूडेंट विल आंसर फाइव क्वेश्चंस. वही बात है, देर विल बी एन इंटरनल चॉइस टू ईच यूनिट. हर यूनिट के अंदर आपकी इंटरनल चॉइस है, आप कौन सा आंसर करना चाहते हैं. आंसर टू ईच क्वेश्चन शैल बी लिमिटेड अप टू 250 वर्ड्स. यहीं पर वो भी बात कही गई है. और हर प्रश्न के कितने मार्क्स हैं, 7 मार्क्स. इसको डिटेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टू रेफरेंसेज टू द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्ले प्रिस्क्राइब फॉर डिटेल स्टडी. टू क्वेश्चंस फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट बाय शेक्सपियर. टू क्वेश्चंस फ्रॉम कैंडिडा बाय बर्नार्ड शॉ. एंड टू क्वेश्चंस फ्रॉम अंधा युग बाय धर्मवीर भारती. आगे बढ़ते हैं तो पांचवी यूनिट कह रही है टू क्वेश्चंस ऑन बैकग्राउंड ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्रामा एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. ये यूनिट जो है पहली दूसरी पांचवी यूनिट के अंदर तो केवल लिटरेरी बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया है. अब बढ़ते हैं हम आगे लास्ट सेक्शन की बात करें, सेक्शन सी के अंदर, जो कि 3 × 15 = 45 वही तरीका रहेगा. पांच क्वेश्चंस हर यूनिट में से और उसमें से आपको केवल और केवल कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 अटैम्प्ट करने हैं. हर एक के 500 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं. और ये अदर रिकमेंडेड बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं अपने लेवल पर, अपने स्तर पर. आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन ऑन द सिलेबस ऑफ बीए पार्ट सेकंड. बीए सेकंड ईयर का ये सिलेबस था, इसके ऊपर आज हमने डिस्कशन किया. आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, लेकिन उसके साथ ही अब स्टडी में लग जाइए. एग्जाम्स आर ऑन द हेड. इलेक्टिव इंग्लिश के वीडियोज़ आपको कंटिन्यूस चैनल पर मिलेंगे. आज हमने शुरू किया बीए पार्ट सेकेंड का सिलेबस. बीए फर्स्ट ईयर के वीडियोज़ आपको YouTube पर अवेलेबल है, इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं फर्स्ट ईयर वाले. और अब से आपकी ये क्लासेस रेगुलर रहेगी इसी चैनल पर. थैंक यू वेरी मच, आपने अपना प्रेम दिया, इतना सहयोग किया और इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच.